सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से eLots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आपको जो ये घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 11 में केमिस्ट्री में एक नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद हम फिजिक्स में कणों के निकाय तथा घूर्णी गति के बारे में कुछ और बातें जान लेंगे। उसके बाद हम कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करते हुए केमिस्ट्री में पी ब्लॉक एलिमेंट्स को और आगे पढ़ेंगे और फिजिक्स का पाठ चुंबकत्व तथा द्रव्य को पढ़ते हुए आज का एपिसोड हम समाप्त करेंगे। तो कॉपी और कलम लेके हो जाइए तैयार बच्चों, हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हेलो दोस्तों, आज हम सब ऊष्मा गतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स पढ़ने वाले हैं। यह थर्मोडायनामिक्स का भाग 3 है। इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे विस्तीर्ण एवं गहन गुण, ऊष्मा धारिता और कैलोरीमेट्री। साथ साथ हम एंथाल्पी परिवर्तन भी पढ़ेंगे। विस्तीर्ण एवं गहन गुण, सबसे पहले हम विस्तीर्ण गुण के बारे में पढ़ेंगे। विस्तीर्ण गुण हमारा वह गुण है जिसका मान निकाय में उपस्थित द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए द्रव्यमान, आयतन, आंतरिक ऊर्जा, एंथाल्पी, ऊष्मा धारिता आदि विस्तीर्ण गुण है। अगला गहन गुण, वे गुण जो निकाय में उपस्थित द्रव्य की मात्रा आकार पर निर्भर नहीं करते गहन गुण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए ताप, घनत्व, दाब आदि गहन गुण है। आइए पढ़ते हैं ऊष्मा धारिता को। इस उपखंड में हम देखते हैं कि निकाय का स्थानांतरित ऊष्मा कैसे मापी जाती है। यदि निकाय द्वारा ऊष्मा ग्रहण की जाए तो यह ताप में वृद्धि के रूप में परिलक्षित होती है। ताप में वृद्धि स्थानांतरित ऊष्मा के लिए समानुपाती होती है। Q is equal to गुणांक into डेल्टा T। गुणांक का मान निकाय के आकार, संगठन एवं प्रकृति पर निर्भर करता है। इस प्रकार हम इस प्रकार लिख सकते हैं Q is equal to C डेल्टा T। गुणांक C को ऊष्मा धारिता कहते हैं। एक आदर्श गैस के लिए Cp एवं Cv में संबंध। ऊष्मा धारिता को स्थिर आयतन पर Cv में एवं स्थिर दाब पर Cp में अंकित करते हैं। अब हम दोनों में संबंध ज्ञात करते हैं। Q के लिए स्थिर आयतन पर समीकरण लिख सकते हैं Qv is equal to Cv डेल्टा T और Cp डेल्टा T। एक मोल आदर्श गैस के लिए डेल्टा H is equal to डेल्टा U plus डेल्टा PV। डेल्टा H is equal to डेल्टा U plus डेल्टा RT is equal to डेल्टा U plus R डेल्टा T। आप PV को RT भी लिख सकते हैं। PV is equal to NRT फॉर्मूले के हिसाब से वही चीज मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है। इसका मतलब डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस R डेल्टा T भी हो सकता है। डेल्टा H एवं डेल्टा U के मान रखने पर Cp डेल्टा T इज इक्वल टू Cv डेल्टा T प्लस R डेल्टा T।
में संबंध। आइए पढ़ते हैं कैलोरी मिति को, जिसको हम कैलोरी मीटर भी कहते हैं। रासायनिक एवं भौतिक प्रक्रमों में संबंधित ऊर्जा परिवर्तन को जिस प्रायोगिक तकनीक द्वारा ज्ञात करते हैं उसे कैलोरी मिति कहते हैं। कैलोरी मिति में प्रक्रम एक पात्र में किया जाता है जिसे कैलोरी मीटर कहते हैं। कैलोरी मीटर एक द्रव के ज्ञात आयतन में डूबा रहता है। द्रव को ऊष्मा धारिता एवं कैलोरी मीटर की ऊष्मा धारिता ज्ञात होने पर ताप परिवर्तन के लिए आधार पर प्रक्रम में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात की जा सकती है। आइए पढ़ते हैं डेल्टा यू का मान रखने पर क्या होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा का मापन बंक कैलोरी मीटर यानी बॉम कैलोरी मीटर में किया जाता है। यहाँ एक स्टील का पात्र जल में डुबाया जाता है। स्टील बम में ऑक्सीजन प्रवाहित कर ज्वलनशील प्रतिदर्श को जलाया जाता है। अभिक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा जल में स्थानांतरित हो जाती है। उसके बाद ताप ज्ञात कर लिया जाता है। चूंकि हम कैलोरी मीटर पूर्णतः बंद है, अतः इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता और कोई कार्य नहीं किया जाता। यहाँ तक कि गैसों में संबंधित रासायनिक अभिक्रियाओं में भी कोई कार्य नहीं होता, क्योंकि डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो है। समीकरण की सहायता से कैलोरी मीटर की ऊष्मा धारिता ज्ञात होने पर ताप परिवर्तन को क्यूबी में परिवर्तित कर लिया जाता है। आइए पढ़ते हैं डेल्टा एच का मान रखने पर क्या होता है। स्थिर दाब पर ऊष्मा परिवर्तन में दर्शाए गए कैलोरी मीटर द्वारा मापा जा सकता है। हम जानते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यूपी स्थिर दाब पर, अतः स्थिर दाब पर उत्सर्जित अथवा अवशोषित ऊष्मा क्यूपी अभिक्रिया ऊष्मा अथवा अभिक्रिया एंथाल्पी कहलाती है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं में ऊष्मा निर्मुक्त होती है तथा निकाय परिवेश में ऊष्मा का प्रभाव होता है, इसलिए क्यूपी ऋणात्मक होगा तथा डेल्टा एच भी ऋणात्मक होगा। इसी तरह ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होगी, अतः क्यूपी और डेल्टा एच दोनों धनात्मक होंगे। आइए पढ़ते हैं एंथाल्पी परिवर्तन को। इसमें हम पढ़ेंगे अभिक्रिया के लिए एंथाल्पी परिवर्तन डेल्टा एच अभिक्रिया एंथाल्पी। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद में बदलते हैं। इस प्रक्रिया में हम दर्शाते हैं अभिकारक उत्पाद बनाते हैं। अभिक्रिया के दौरान एंथाल्पी परिवर्तन अभिक्रिया एंथाल्पी कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में एंथाल्पी परिवर्तन डेल्टा एच चिन्ह से दर्शाया जाता है। डेल्टा एच इज इक्वल टू उत्पादों की एंथाल्पियों का योग माइनस अभिकारकों की एंथाल्पियों का योग। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, समेशन ए आई एच प्रोडक्ट माइनस समेशन ए आई एच रिएक्टेंट। आइए यहाँ हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को। यहाँ सिग्मा चिन्ह का उपयोग संकलन के लिए किया जाता है एवं A1 तथा BI संतुलित समीकरण में क्रमशः अभिकारकों एवं उत्पादों के स्टोकियोमिति गुणांक है। उदाहरण के लिए CH4 प्लस O2 में एक CO2 प्लस 2H2। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू समेशन ए आई एच प्रोडक्ट माइनस समेशन बी आई एच रिएक्टेंट। यहाँ पर फिर हम प्रोडक्ट में जितने मापन दे रखे हैं जैसे CO2 और H2O वो लिखेंगे स्टोइकोमेट्री के साथ, माइनस जितने रिएक्टेंट में आपको परमाणु दे रखे हैं उनकी स्टोइकोमेट्री के साथ हम इन चीजों को लिखेंगे। अभिक्रिया की मानक एंथाल्पी किसी रासायनिक अभिक्रिया की एंथाल्पी परिस्थितियों पर निर्भर करती है, अतः यह आवश्यक है कि हम कुछ मानक परिस्थितियों को निर्दिष्ट करें। किसी रासायनिक अभिक्रिया की मानक एंथाल्पी एवं एंथाल्पी परिवर्तन है जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थ अपनी मानक अवस्थाओं में हो। किसी पदार्थ की मानक अवस्था किसी निर्दिष्ट ताप पर उसका वह शुद्ध रूप है जो 298 केल्विन एक बार दाब पर पाया जाता है। प्रवस्था रूपांतरण में एंथाल्पी परिवर्तन। प्रवस्था परिवर्तन में ऊर्जा परिवर्तन भी होता है। उदाहरण के लिए बर्फ को पिघलाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। प्रति मोल ठोस पदार्थ के गलन में होने वाले एंथाल्पी परिवर्तन को पदार्थ की गलन एंथाल्पी या मोलर गलन एंथाल्पी यानी डेल्टा फ्यूजन H- कहा जाता है। किसी द्रव के एक मोल को स्थिर ताप एवं मानक दाब एक बार पर वाष्पीकृत
व्रत करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की उसकी वाष्पन एंथैल्पी या मोलर वाष्पन एंथैल्पी डेल्टा वेपराइजेशन एच नेगेटिव कहा जाता है। किसी ठोस के लिए एक मोल को स्थिर ताप एवं मानक दाब एक बार पर ऊर्ध्वपातन में होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन को उसकी मानक ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी कहते हैं। आइए पढ़ते हैं मानक विचलन एंथैल्पी यानी डेल्टा एफ एच नेगेटिव। किसी यौगिक के एक मोल को उसकी ही तत्व जो अपने सबसे स्थायी रूपों के लिए गए हैं, ऐसे रूपों को संदर्भ अवस्था भी कहते हैं, में से विरचित करने पर होने वाले मानक एंथैल्पी परिवर्तन को उसकी मानक मोलन विरचन एंथैल्पी डेल्टा एफ एच नेगेटिव कहा जाता है। नीचे कुछ अभिक्रियाएं उनकी मानक विरचन मोलन एंथैल्पी के साथ दी गई है। H2 plus half O2 makes H2O. इसमें डेल्टा फ्यूजन H नेगेटिव है -285.8 किलो जूल पर मोल। दूसरा C को हम कार्बन भी बोलते हैं और हम इसको ग्रेफाइट भी बोल सकते हैं। इसका रिएक्शन दो हाइड्रोजन के परमाणु से होकर CH4 बनाता है। इसका फ्यूजन एंथैल्पी होगा -74.81 किलो जूल पर मोल। कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। आखिर इसका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है क्या? इसको निकालने के लिए हम डेल्टा एच नेगेटिव इज इक्वल टू समेशन AI डेल्टा एफ एच माइनस प्रोडक्ट माइनस समेशन BI डेल्टा एफ एच माइनस रिएक्टेंट करेंगे। डेल्टा RH माइनस इज इक्वल टू डेल्टा एफ एच माइनस इज इक्वल टू CaO यानी सॉलिड प्लस डेल्टा एफ एच माइनस कार्बन डाइऑक्साइड माइनस डेल्टा हीट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट होता है। यहाँ हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड की वैल्यू है -635.1 किलो जूल पर मोल, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू है -393.5 किलो जूल पर मोल और कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू है -1206.9 किलो जूल पर मोल। यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबके 1 है तो हम यहाँ पे 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर आपका आएगा 178.3 किलो जूल पर मोल। ऊष्मा रासायनिक समीकरण। एक संतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें उसके डेल्टा RH का मान भी दिया गया होगा ऊष्मा रासायनिक समीकरण कहलाता है। हम एक समीकरण में पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं भी निर्दिष्ट करते हैं। समीकरण निश्चित ताप एवं दाब पर द्रव एथेनॉल का दहन दर्शाता है। एंथैल्पी परिवर्तन का ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा रासायनिक समीकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित परिपाटियों को याद रखना आवश्यक है। पहला, संतुलित रासायनिक समीकरण में गुणांक अभिकारकों एवं उत्पादों के मोलों को निर्देशित करते हैं। डेल्टा RH का गणितीय मान समीकरण द्वारा पदार्थ के मोलों की संख्या के संदर्भ में होता है। मानक एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा RH नेगेटिव की इकाई किलो जूल पर मोल होती है। आइए एग्जांपल से स्पष्ट करते हैं। Fe2O3 plus 3H2 makes 2Fe plus 3H2O. यहाँ डेल्टा हीट ऑफ फ्यूजन H2O का -285.83 किलो जूल पर मोल है। Fe2O3 का फ्यूजन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन -824.2 किलो जूल पर मोल है। आयरन का एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन 0 है और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हाइड्रोजन का भी 0 है। परिपाटी के अनुसार हम यहाँ पे सब वैल्यूज रखेंगे। आपको Fe2O3 की वैल्यू -285.83 किलो जूल दी है और आपका 824.2 किलो जूल पर मोल आयरन का दिया है। यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाना बहुत जरूरी है। अब आप आंसर निकाल लीजिए। आपका आंसर आएगा -33.3 किलो जूल पर मोल। आइए पढ़ते हैं हेसेस लॉ, हेस के नियम। उन्होंने कहा था, अनेक पदों में होने वाली किसी रासायनिक अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी उन सभी अभिक्रियाओं की समान ताप पर मानक एंथैल्पियों का योग होती है
जिनमें इस संपूर्ण अभिक्रिया को विभाजित किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 मेक CO, यहाँ पे डेल्टा RH क्या होगा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड, इसका डेल्टा RH 393.5 किलो जूल पर मोल है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2 मेक CO2 का डेल्टा RH -283.0 किलो जूल पर मोल है। हम उपयुक्त समीकरणों को इस प्रकार संयुक्त करते हैं कि इच्छित अभिक्रिया प्राप्त हो जाए। दाईं ओर एक मोल CO प्राप्त करने के लिए समीकरण, दूसरा को हम उल्टा करते हैं, इसमें ऊर्जा निम्बित होने की बजाय अवशोषित होती है, अतः हम डेल्टा RH नेगेटिव के मान का चिन्ह बदल देते हैं। CO2 मेक CO प्लस हाफ O2, इसका डेल्टा RH है +283 किलो जूल पर मोल। समीकरण एक एवं तीन को जोड़कर हम इच्छित समीकरण प्राप्त करते हैं। अब हमारा C प्लस हाफ O2 मेक CO, इसका डेल्टा RH -393.5 +283.0 इज इक्वल टू -110.5 किलो जूल पर मोल आएगा। व्यापक रूप में यदि अभिक्रिया A से B के लिए एक मार्ग की कुल एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा RH को एवं दूसरे मार्ग से डेल्टा RH1, डेल्टा RH2, डेल्टा RH3 समान उत्पाद B के बनने में विभिन्न एंथैल्पी परिवर्तनों को प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए डेल्टा RH इज इक्वल टू डेल्टा RH1 प्लस डेल्टा RH2 प्लस डेल्टा RH3 होता है। इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा विस्तीर्ण एवं गहन गुण को, ऊष्मा धारिता को और कैलोरी मिति को, साथ में हमने पढ़ा एंथैल्पी परिवर्तन। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं की एंथैल्पी, स्वतः प्रवर्तितता यानी स्पॉन्टेनिटी और गिव्स एनर्जी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ण के अध्याय कणों के निकाय तथा घूर्णी गति को जारी रखेंगे और इसका भाग 4 को पढ़ेंगे। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग के बारे में जानेंगे और उसके बाद दृढ़ पिंडों का संतुलन को पढ़ेंगे। आइए आज के प्रथम विषय से शुरू करते हैं, एक कण पर आरोपित बल का आघूर्ण के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमने सीखा है कि किसी दृढ़ पिंड की गति व्यापक रूप में घूर्णन एवं स्थानांतरण का संयोजन होती है। दोस्तों, अब यदि पिंड किसी बिंदु या किसी रेखा के अनुदिश स्थिर है तो इसमें केवल घूर्णी गति होती है, जैसा कि हम जानते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि घूर्णी गति में बल के तुल्य कौन सी राशि है। दोस्तों, आइए इस प्रश्न का उत्तर को जानते हैं। इसके लिए हमें एक उदाहरण से समझना होगा, किसी द्वार को खोलने या बंद करने का उदाहरण। दोस्तों, द्वार एक दृढ़ पिंड है जो कब्जों से होकर गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर अक्ष के परित घूम सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर द्वार को कौन घुमाता है। दोस्तों, जब तक दरवाजे पर बल नहीं लगाया जाएगा यह नहीं घूम सकता। आइए दोस्तों, बल आघूर्ण के परिभाषा को समझते हैं। बल आघूर्ण बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परित घुमाने की प्रवृत्ति कहलाती है। बल आघूर्ण के लिए प्रतीक ग्रीक अक्षर टाउ होता है। दोस्तों, बल आघूर्ण का सूत्र होगा टाउ बराबर RF साइन थीटा, जहां R सदिश R का परिमाण यानी
ओपी की लंबाई है, चित्र से समझिए, और एफ बल एफ का परिमाण है, तथा थीटा एफ एवं आर के बीच का कोण है। दोस्तों चित्र को देखिए, बल आघूर्ण के परिमाण को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ बराबर आर साइन थीटा गुने एफ बराबर आर लंबवत एफ, या टाउ बराबर आर एफ साइन थीटा बराबर आर एफ लंबवत। दोस्तों बल आघूर्ण का विमीय सूत्र है एम एल टू टी माइनस टू, आप इसे याद रखें। दोस्तों बल आघूर्ण एक सदिश राशि है और बल आघूर्ण का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। दोस्तों जहां आर लंबवत बराबर आर साइन थीटा बल की क्रिया रेखा की मूल बिंदु से लंबवत दूरी है, और एफ लंबवत बराबर एफ साइन थीटा आर के लंबवत दिशा में एफ का अवयव है। दोस्तों अब याद रखें कि यदि आर बराबर शून्य होगा और एफ बराबर शून्य या थीटा बराबर 0 डिग्री अथवा 180 डिग्री, तब टाऊ का मान होगा शून्य। दोस्तों क्योंकि आर गुणित एफ एक सदिश गुणनफल है, अतः यदि बल की दिशा उलट दी जाएगी तो बल आघूर्ण की दिशा भी उल्टी हो जाएगी, जैसा कि हम दो सदिशों के सदिश गुणनफल में भी पढ़े थे। परंतु यदि R और F दोनों की दिशा उलट दी जाए तो बल आघूर्ण की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए दोस्तों एक कण पर आरोपित बल का आघूर्ण का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करते हैं। प्रश्न है एक बोल्ट पर बल आघूर्ण कितना होगा, जिसमें एक रिंच से 30 न्यूटन के बल के साथ 30 सेंटीमीटर का लीवर आर्म है। दोस्तों इसको हल करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बल आघूर्ण का फॉर्मूला यानी कि सूत्र F गुने L होता है। यहाँ F का मान 30 न्यूटन है और L का मान 30 सेंटीमीटर है। अब हम 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे, जो कि हो जाएगा 0.30 मीटर। अब हम F और L का मान रखते हैं तो हम क्या ज्ञात करते हैं, हमें मिलेगा 9 न्यूटन मीटर, जो कि इसका उत्तर होगा। अतः समान बल के लिए एक बड़ी रिंच के साथ आप अधिक बल आघूर्ण प्राप्त कर सकते हैं। आइए किसी कण का कोणीय संवेग को समझते हैं। दोस्तों एक बाइक का संतुलन होना क्यों जरूरी है, या हम जब साइकिल चलाते हैं तो एक साइकिल का संतुलन क्यों जरूरी है, क्या आपने कभी ये सोचा है। दोस्तों इसे जानने के लिए आइए हम कोणीय संवेग को समझते हैं। दोस्तों कोणीय संवेग रेखीय संवेग का घूर्णी समतुल्य है। कोणीय संवेग भी एक सदिश गुणन है, अर्थात इसको हम रेखीय संवेग का आघूर्ण कह सकते हैं। आइए दोस्तों किसी कण का कोणीय संवेग को समझते हैं। चित्र को देखिए। दोस्तों कोणीय संवेग एक सदिश मात्रा है जिसे L द्वारा निरूपित किया जाता है, और कोणीय संवेग की एसआई इकाई मात्रा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, और विमीय सूत्र एम एल स्क्वायर बटे टी होता है। दोस्तों चित्र को देखिए। माना कि एम द्रव्यमान और पी रेखीय संवेग का एक कण लेते हैं, मूल बिंदु ओ के सापेक्ष जिसका स्थिति सदिश आर हो, तब मूल बिंदु ओ के सापेक्ष इस कण का कोणीय संवेग L निम्नलिखित समीकरण द्वारा परिभाषित होगा, L बराबर R गुणित P। दोस्तों कोणीय संवेग सदिश की परिमाण है, जहां L बराबर RP साइन थीटा इनका सूत्र होता है, जहां P
सदिश P का परिमाण है तथा थीटा R एवं P के बीच का छोटा सा एक कोण है। इस समीकरण को हम ऐसे भी कुछ लिख सकते हैं, R लंबवत P। अब दोस्तों, यदि रैखिक गति शून्य है यानी कि P बराबर शून्य, तब कोणीय गति भी शून्य होगी जो कि L बराबर शून्य हो जाएगा। अब हम एकल कण यानी कि कोई एक कण के संदर्भ में यह संबंध प्राप्त करने के लिए हमें समीकरण L बराबर R गुणित P को समय के आधार पर अवकलित करना पड़ेगा। तो हम क्या समीकरण पाएंगे दोस्तों, dl बटे dt बराबर d बटे dt गुणित r गुणे p। दोस्तों, अब दाईं ओर के व्यंजक पर गुणन के अवकलन का नियम लागू करने पर हमें प्राप्त होगा समीकरण d बटे dt r गुणित p बराबर dr बटे dt गुना p जोड़ r गुणे dp बटे dt। अब कण का वेग v बराबर dr बटे dt एवं p बराबर mv है, तो समीकरण dr बटे dt गुना p बराबर v गुने mv शून्य हो जाएगा, क्योंकि दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य होता है। ये आप याद रखें, चूंकि dp बटे dt बराबर f होता है, अतः d बटे dt ब्रैकेट में r गुने p बराबर टाउ हो जाएगा या dl बटे dt बराबर टाउ हो जाएगा। अतः किसी कण के कोणीय संवेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर इस पर प्रभावी बल आघूर्ण के बराबर होती है। अब दोस्तों, कणों के निकाय के कुल कोणीय संवेग को हम निम्नवत लिख सकते हैं, जैसे कि L बराबर L1 प्लस L2 प्लस डॉट 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 LN तक, जो कि हो जाएगा सिग्मा LI, I का मान 1 से N तक होगा, जहां I वे कण का कोणीय संवेग होगा LI बराबर RI गुणित PI। दोस्तों, अब हम कणों के निकाय के कुल कोणीय संवेग को कुछ इस समीकरण से लिखेंगे, L बराबर सिग्मा LI बराबर सिग्मा RI गुने PI। यह समीकरण एकाकी कण के संवेग की परिभाषा को कणों के निकाय के लिए किया गया व्यापकीकरण है। अब दोस्तों, समीकरण को हल करने पर हम पाएंगे dl बटे dt बराबर d बटे dt सिग्मा LI बराबर सिग्मा dli बटे dt बराबर सिग्मा tau i। दोस्तों, अब हम कुल बल आघूर्ण में बाह्य एवं आंतरिक बलों के योगदान को अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि tau बराबर सिग्मा tau i बराबर सिग्मा ri गुने fi, अर्थात tau बराबर tau external जोड़ टाउ इंटरनल। यहाँ एक्सटर्नल बाह्य बल है एवं इंटरनल आंतरिक बल को निरूपित करता है, या टाउ एक्सटर्नल बराबर सिग्मा आर आई गुने एफ टी एक्सटर्नल और टाउ इंटरनल बराबर सिग्मा आर आई गुणित एफ आई इंटरनल। दोस्तों, अब यदि टाउ एक्सटर्नल शून्य हो जाएगा, तब dl बटे dt का भी मान शून्य हो जाएगा या l यहाँ अचरांक होगा। अतः कणों के किसी निकाय पर आरोपित कुल बाह्य बल आघूर्ण यदि शून्य हो, तो उस निकाय का कुल कोणीय संवेग संरक्षित होता है, अर्थात अचर रहता है। दोस्तों, किसी दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन की अवस्था में तब कहा जाएगा जब इसके रेखीय संवेग और कोणीय संवेग दोनों का ही मान समय के साथ न बदलता हो, अर्थात अगर पिंड पर लगने वाला कुल बल यानी कि बलों का सदिश योग शून्य हो,
तब हमें समीकरण मिलेगा F1 प्लस F2 प्लस .. Fn तक बराबर सिग्मा Fi, जहां i का मान 1 से n तक होगा, जो हल करने पर हमें 0 मिलेगा। और कुल बल आघूर्ण यानी दृढ़ पिंड पर लगने वाले बल आघूर्णों का सदिश योग 0 होगा। तब हम कुछ ऐसे लिखेंगे tau1 प्लस tau2 प्लस .. tau n तक बराबर सिग्मा tau i, i का मान 1 से n तक होगा, जो कि हमें हल करने पर मिलेगा। अब यदि दृढ़ पिंड पर आरोपित कुल बल आघूर्ण 0 हो तो इसका कुल कोणीय संवेग समय के साथ नहीं बदलेगा। आइए दोस्तों बल युग्म यानी कि ऐंठन को समझते हैं। दोस्तों दो बराबर परिमाण के विपरीत दिशाओं में लगे बलों का जोड़ा जिनकी क्रिया रेखाएं एक न हो बल युग्म अथवा ऐंठन कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि एक डब्बे के ढक्कन को खोलने के लिए हम दोनों हाथों से विपरीत दिशाओं में बल लगाते हैं, इसे ही ऐंठन कहते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हम आज के वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए एक बार फिर से जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सर्वप्रथम हम बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग को समझा और उसके बाद दृढ़ पिंडों का संतुलन को भी समझा। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सर्वप्रथम जड़त्व आघूर्ण को समझेंगे और उसके बाद लंबवत एवं समानांतर अक्षों के प्रमेय को समझेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बी ब्लॉक के तत्व का छठा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम वर्ग 17 के यौगिकों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ने से पहले एक बार सबसे पहले हम नजर डालते हैं कि वर्ग 17 में कौन कौन से यौगिक होते हैं। सबसे पहला यौगिक है क्लोरीन, दूसरा है हाइड्रोजन क्लोराइड, तीसरा है हेलोजनों के ऑक्सो अम्ल और चौथा और आखिरी है अंतरा हेलोजन यौगिक। तो शुरू करते हैं क्लोरीन से। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरीन के विरचन की, यानी कि क्लोरीन के प्रिपरेशन की, बनता कैसे है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म करके, ये पहला तरीका है। इसमें हम सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें मिलता है MnCl2 क्लोरीन प्लस 2H2O। तो एक क्लोरीन को पाने का तरीका यह है। दूसरा तरीका है पोटेशियम परमैंगनेट की HCl से अभिक्रिया करने पर। आप देख सकते हैं जब हमने KMnO4 को HCl के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें KCl मिला, MnCl2 मिला, H2O मिला और साथ में क्लोरीन भी मिला। क्लोरीन के उत्पादन के लिए एक बहुत खास तरह की विधि है जिसे हम डेकोन विधि कहते हैं। इस विधि में 723 केल्विन पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं। आप रिएक्शन देख सकते हैं, HCl का हमने
ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण कराया और साथ में CuCl2 भी मौजूद था। इससे हमें क्लोरीन गैस मिली और साथ में H2O मिला। तो ये डेकन विधि होती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद एक और तरीका है वैद्युत अपघटन प्रक्रम। इसमें क्लोरीन लवण जल के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जाती है, क्लोरीन एनोड पर प्राप्त होती है। तो ये कुछ तरीके थे जिससे हम क्लोरीन को पा सकते थे। अब हम बात करेंगे क्लोरीन के गुणों की। यह तीखी गंध वाली दमघोटू हरित पीली गैस है। अगर आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां पर क्लोरीन गैस मौजूद है तो आपका दम घुटने लगेगा और इसकी बहुत ही तीखी गंध आती है। यह वायु से 2.5 गुना भारी है। यह जल में विलेय है, यानी कि यह जल में आसानी से घुल जाती है। यह हरित पीले द्रव के रूप में आसानी से द्रवित की जा सकती है। क्लोरीन बहुत सी धातुओं तथा अधातुओं के साथ क्रिया कर क्लोराइड बनाती है। क्लोरीन एक प्रबल विरंजक है। विरंजन क्रिया ऑक्सीकरण के कारण होती है। तो ये कुछ गुण थे क्लोरीन के जो आपको ध्यान में रखने बहुत जरूरी हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की। सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइड्रोजन क्लोराइड का विरचन कैसे होता है। यह सोडियम क्लोराइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाया जाता है। आप रिएक्शन देख सकते हैं, NaCl को अगर हम H2SO4 के साथ मिला दें और उसको गर्म करें 420 केल्विन के ताप पर, तो NaHSO4 और साथ में HCl बनता है। इसका दूसरा तरीका है NaHSO4 को NaCl में अगर हम मिला दें और इसको 823 केल्विन पर गर्म करें तो हमें Na2SO4 और HCl मिलता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि दूसरी रिएक्शन में हमको ताप की मात्रा ज्यादा रखनी पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के गुणों की। सांद्र HCl के 3 भाग तथा सांद्र HNO3 के 1 भाग को मिलाने पर एक्वारेजिया बनता है, जो कि सोने तथा प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुओं को घोलने के लिए काम में लाया जाता है। ये इस पाठ का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ से प्रश्न आता है, यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि एक्वारेजिया क्या होता है, उसमें HCl के कितने भाग लगते हैं, HNO3 के कितने भाग लगते हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है। आप देख सकते हैं कि जो एक्वारेजिया है वो सोने और प्लेटिनम जैसे अक्रिय धातुओं से भी रिएक्शन कर देता है और उनको भी घोल देता है। रिएक्शंस आपके सामने हैं और इन रिएक्शंस को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हैलोजनों के ऑक्सो अम्ल की। पहला जो ऑक्सो अम्ल होता है वो होता है HOCl, जिसे हम हाइपोक्लोरस अम्ल कहते हैं। दूसरा जो ऑक्सो अम्ल है वो है HOClO, इसे हम क्लोरस अम्ल कहते हैं। तीसरा जो ऑक्सो अम्ल है वो क्लोरिक अम्ल कहलाता है, उसका स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसको कहते हैं HClO3। आखिरी जो अम्ल है उसे कहते हैं परक्लोरिक अम्ल, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है HClO4। ये चारों ऑक्सो अम्ल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षा में ऐसा हो सकता है कि आपको ऑक्सो अम्ल का नाम दिया हो और आपको उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला जाए, तो आपको ये ऑक्सो अम्ल के स्ट्रक्चर आने चाहिए। और इसका विपरीत भी हो सकता है कि अगर आपको स्ट्रक्चर दिया जाए और आपको नाम बताने को बोला जाए। इस पार्ट में जितने भी हमने ऑक्सो अम्ल पढ़े हैं आपको वो सारे आने चाहिए और उन सबके स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंतरा हेलोजन यौगिकों की। सबसे पहले इनका विरचन यानी कि प्रिपरेशन देख लेते हैं। अंतरा हेलोजन यौगिक सीधे संयोग द्वारा या किसी हेलोजन की एक निम्नतर अंतरा हेलोजन यौगिक पर अभिक्रिया द्वारा बनाए जा सकते हैं। आप रिएक्शन देख सकते हैं, अगर आप Cl2 और F2 के समान आयतन को लेते हैं और उनको 437 केल्विन पर गर्म करते हैं तो आपको CLF देखने को मिलता है। यही काम अगर आप
Cl2 और 3F2, यहाँ पर F2 को हम एक्सेस में लेते हैं, इन दोनों को अगर आप 573 केल्विन पर गर्म करते हैं तो आपको ClF3 देखने को मिलता है। उसके बाद एक और रिएक्शन है, इसमें अगर आप I2 और Cl2 का इक्विमोलर या फिर सम मोलर पार्ट लें तो उससे आपको ICl देखने को मिलता है। तो ये तरीका होता है अंतराहेलोजन यौगिक को बनाने का। अब हम बात करते हैं अंतराहेलोजन यौगिकों के गुणों की। ये सभी ससंयोजक अणु होते हैं और प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। ये सभी वाष्पशील ठोस या द्रव हैं। इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं की तुलना पृथक अव्ययी हेलोजनों से की जा सकती है। सामान्यतः अंतराहेलोजन यौगिक हेलोजनों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। आप अगर इनकी रिएक्शन देखें पानी के साथ तो आप देख सकते हैं कि ये HX- और HOX बनाते हैं। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने वर्ग 17 के यौगिकों के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ आई होंगी और ये सुझाव दूंगा कि आप इन सब चीजों को रसायन विज्ञान की NCERT से दोबारा से पढ़िएगा। अगली वीडियो में हम वर्ग 18 के तत्वों की बात करेंगे। उसके बाद हम उनके भौतिक और रासायनिक गुणों की बात करेंगे और उसके बाद हम वर्ग 18 के यौगिक पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगों के दूसरे भाग की। इस भाग में हम समझेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति और वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक कर जानते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति को। दोस्तों, इस प्रकार की तरंगों में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के तथा इनके गमन की दिशा के लंबवत होते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ इस चित्र में देख भी सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो यहाँ नीले रंग की तरंग से दर्शाया गया है वो YX के समकक्ष है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र जेड अक्ष के समकक्ष है और ये दोनों ही क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत और साथ ही साथ इनकी गमन की दिशा यानी एक्स अक्ष के भी लंबवत हैं। इसके अतिरिक्त ये तरंगे निर्वात एवं किसी माध्यम से भी गमन कर सकते हैं। निर्वात में इनकी चाल को सी से दर्शाया जाता है, जिसका मान होता है 1/√ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और जो बराबर होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड के। जबकि यदि ये किसी माध्यम से गमन करते हैं तो इनकी चाल को वी से दर्शाया जाता है और इसका मान होता है 1/√ म्यू एप्सिलॉन। इसके अतिरिक्त इन तरंगों में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात अचर होता है, जो तरंग के वेग के बराबर होता है। यानी अगर विद्युत क्षेत्र का मान हम E0 और चुंबकीय क्षेत्र का मान B0 लें तो इनका अनुपात यानी कि E0/B0 हमेशा तरंग के वेग यानी C0 के बराबर ही आएगा। इसके साथ साथ ये तरंग ऊर्जा की वाहक हैं और इसकी ऊर्जा चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्रों के बीच समान रूप से विभाजित रहती है।
और ये तरंगे संवेग की भी वाहक है और इसी कारण से ये किसी सतह पर दाब उत्पन्न करती हैं और इस दाब को विकिरण दाब कहा जाता है। दोस्तों, ये तो बात हुई विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति की। आइए अब जानते हैं वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को। दोस्तों, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का आवृत्ति के क्रम में वर्गीकरण वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है सूर्य, जिससे विभिन्न प्रकार की तरंगें उत्सर्जित होती हैं। इन्हीं तरंगों को यदि इनके तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति के क्रम में लगाया जाए तो कुछ तरंग एक जैसे गुण प्रदर्शित करती हैं, जिसके आधार पर इनका भिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण किया जा सकता है और ये वर्गीकरण कहलाता है स्पेक्ट्रम। आइए अब देखते हैं कि इस स्पेक्ट्रम में बनने वाली भिन्न भिन्न श्रेणियां कौन सी हैं और ये किस क्रम में होती हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इन श्रेणियों का वर्गीकरण किन दो आधारों पर किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आता है आवृत्ति, जिसका अर्थ होता है कि एक सेकेंड में एक तरंग कितने दोलन करती है। अब जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम दोलन का समय कम करते हैं तो एक सेकेंड में इस तरंग के दोलन की संख्या बढ़ती जाती है, यानी कि इस तरंग की आवृत्ति बढ़ती जाती है। इसके बाद वर्गीकरण का दूसरा आधार है तरंग दैर्ध्य, जो किन्हीं दो दोलन के बीच की दूरी को दर्शाता है और इसे लैम्डा से दर्शाया जाता है। अब आप यहां से समझ सकते हैं कि दो दोलन के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी, एक सेकेंड में वो तरंग उतनी ही कम बार दोलन कर पाएगी। यानी कि यदि तरंग दैर्ध्य बढ़ता है तो तरंग की आवृत्ति घट जाती है। आइए अब इन्हीं दो आधारों पर समझते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों का वर्गीकरण यानी वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को। दोस्तों, यहाँ पर इस चित्र में वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम तथा इसके विभिन्न भागों को दर्शाया गया है। स्पेक्ट्रम के ये विभिन्न भाग आवृत्ति के अनुरूप बाईं से दाईं ओर बढ़ते क्रम में दर्शाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आती है रेडियो तरंगें, जिनकी आवृत्ति सबसे कम है। इसके बाद आती है सूक्ष्म या माइक्रो तरंगें, फिर आती है अवरक्त तरंगें, इसके बाद आता है दृश्य प्रकाश, जिसे हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। इसके बाद आते हैं पराबैंगनी तरंगे, फिर एक्स किरण और अंत में गामा किरणें, जिनकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। ठीक इसी प्रकार यदि तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम के अनुसार देखा जाए तो वो इसके विपरीत होगा, यानी सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली किरणें होंगी गामा किरण, फिर आएंगी एक्स किरण, इसके बाद आती है पराबैंगनी के तरंगे, जिसके बाद है दृश्य प्रकाश, फिर आती है अवरक्त तरंग, इसके बाद है सूक्ष्म या माइक्रो तरंग और अंत में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाली रेडियो तरंगे। सभी तरंगों का ये वर्गीकरण ही कहलाता है स्पेक्ट्रम। तो दोस्तों, हम हमारे आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा वैद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकृति को, जिसके बाद हमने जाना वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम और इसके विभिन्न भागों को। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी अध्याय के अगले भाग की, जिसमें हम समझेंगे स्पेक्ट्रम के इन्हीं भागों के गुण तथा इनके हमारी रोजाना की जिंदगी में उपयोगों को।
तब तक के लिए गुड बाय। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे दो गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और दो गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से e-lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।